आप लोग तो पढ़ते ही हैं, फिर भी जैनाचार्यों ने जो सोचा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य आदि ये 10 प्रकार के परिग्रह सीमित करने का विधान इस सूत्र में मिलता है। ये 10 प्रकार के परिग्रह दो दो मिलकर के 5 वर्ग में बट जाते हैं। उसमें सभी का नाम उल्लेख किया तो गृहस्थ आश्रम में उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक होते, उनमें से कोई भी फालतू नहीं, व्यर्थ में नहीं। किंतु उन 10 में अर्थ भी नहीं रख, क्या कहा? 10 में अर्थ भी नहीं रख, उसमें अर्थ नहीं रख। ये सारे सारे वस्तुएं हैं जो गृहस्थ आश्रम के लिए अनिवार्य होते। इस सूत्र का अर्थ तो सबको ज्ञात है, क्योंकि आप लोगों ने भी अनुवृत्त ले लिए। अब अनुवृत्तों में परिग्रह परिमाण अनुवृत्त होता है, परिग्रह परिमाण का नाम ही अनुवृत्त होता है। परिमाण किसके ये होता है, सीमाएं किसकी, वस्तु की क्या अर्थ की। वस्तु की क्या अर्थ की, वस्तु के अर्थ को वहां पर स्थान नहीं दिया गया। फिर भी अर्थ की व्यवस्था मानी गई है तो बाद में हम मानेंगे, वस्तुओं को हम पहले मानेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा सीमित हो, सीमा में बंद करके चले, इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है। आचार शास्त्र के अनुसार श्रमण का आचरण और श्रावकों का आचरण दो भागों में विभाजित होता है। यह प्रसंग श्रावकों का है। सब लोगों ने अनुमति ली है क्या? नहीं लिए। अब क्या लिखेंगे इसमें आप लोग? हाँ, तो यह क्षेत्र से लेकर के कुप्य और भांड तक 10 संख्या होती है। सभी वस्तुएं हैं जिसके आप लोग परिमाण बना रहे हैं। परिमाण मैंने सीमा, गिनती आवश्यक है, किंतु आवश्यकों को अनावश्यक रूप में हम संकलित संग्रह नहीं करेंगे। ये संकल्प आप लोगों ने ले लिया। क्षेत्र तो अवगत है जिसमें खेती की जाती है, वास्तु जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, मकान दुकान आदि, उसमें विद्यालय भी आ जाता है। नहीं आता वो कोई भी परिसर, पहले तो सर होगा तो परिसर होगा तो मुख्य तो है। तो अब ये वास्तु में आ गए। हिरण्य प्रचलन में जो काम में आता है उसका नाम हिरण्य रखा। सुवर्ण जो आप जानते हैं सोना, धन और धान, धन तो है जीवित प्राणी को उन्होंने धन के रूप में स्वीकार किया। अभी अर्थ का क्रम नहीं आया, कब आता देखना। हिरण्य स्वर्ण धन, धन के रूप में गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है आदि आदि लिया। धान जो आप लोग अन्न के रूप में स्वीकार करते हैं वह आ गया।
हाँ जी, दासी दवा दास, नौकर चाकर अथवा परिवार के व्यक्ति आदि आदि। विवाह होता है तो पिछली पत्नियों का विवाह आदि आदि भी इसमें आ जाता है। अथवा जिस व्यक्ति को आप संभालना चाहते हैं उनकी संख्या का नाम यहाँ पर दासीदास रखा जा सकता है। आप लोग संभाल रहे हैं, वो संभल रहे हैं ताकि उनका भी जीवन धार्मिक बन सके। उनको आप लोग नौकर जाकर कह देते हैं अथवा दासीदास कह देते हैं कि वस्तुतः उनका समागर अपने ढंग से होता है। कुप्य और भांड, कुप्य में शेष जो कोई भी वस्तुएं रह गई गृहस्थाश्रम में अनिवार्य है वो कुप्य में आ जाते हैं। और भांड शब्द देख है जो बर्तन बासन आते। इस प्रकार यह श्रावकों के पास 10 प्रकार के परिग्रह वस्तुएं हैं। वो वस्तुएं सीमा से बाहर न रखे, अनावश्यक न रखे, उनका अपव्यय न करें जो रखे हैं उसका, समय पर उनका उपयोग हो। इसी के लिए इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवसाय आदि करते हैं। अब इसमें 10वें अर्थ को स्वीकाराने, जीवन अर्थमय हो गया है, नहीं समझे? चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे श्रीमान हो, धीमान हो, अथवा गरीब हो, नौकर चाकर हो, सेठ साहूकार हो, आश्रित हो, आश्रय दाता हो, कोई भी हो, सब पहले अर्थ अर्थ। कोई वस्तु की वो नहीं देख रहा, ये विडम्बना है। जीवन का लक्ष्य अर्थमय हो गया, अर्थ के लिए है, अर्थ में ही पूर्ण आवृत्ति, ये हो गया। ये बहुत चिंता का विषय नहीं, एक बड़ी समस्या का है, इसका हल करना बहुत मुश्किल हो गया। अब इसमें अर्थ नीति आती है। अर्थनीति क्या है ये भी अपने को सोचना। जैनाचार्यों ने जो उत्पादन होता है वस्तुओं का, जिस किसी भी रूप में, खनिज पदार्थ के रूप में, धन धान्य के रूप में आदि आदि, उनको व्यवस्थित करने के लिए एक नीति बनाई। केवल व्यवस्था के पेशा से ये नीति व्यवस्था के लिए साधन है और इसका कुछ भी नहीं। जैसे विद्युत है, विद्युत आपके लिए आवश्यक है मान कर दीजिए, किंतु उसका विद्युत का प्रयोग किस ढंग से किया जाता है ये उसकी नीति के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपको प्रकाश चाहिए तो प्रकाश के लिए आपने एक व्यवस्था रखी है, उसकी व्यवस्था क्या है, वह बल्ब रखा है। वह तो विद्युत नहीं है, लेकिन बल्ब के बिना, लट्टू के बिना उस विद्युत का प्रकाश के रूप में सामने नहीं आ सकता है ना। तो अब वह विद्युत हमारी वस्तु हो गई आवश्यक, और उसके लिए यह बल्ब, वायर, बटन आदि आदि ये हो गया, किंतु उसका अपव्यय न हो इसलिए व्यवस्था नीति रखी। मुख्य उसकी व्यवस्था के लिए इसको रखा, यही व्यवस्थापक हो गया। व्यवस्था जो था वो उसमें कोई देख ही नहीं रहा। व्यवस्था करो काय के लिए, व्यवस्था करो ये भी तो देखो, ये महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी नहीं देख रहा, तू पढ़ा लिखा है वो भी नहीं देखेगा, तू अपढ़
कौन देखेगा, हम दोनों इसी में लग गए। जब इस सूत्र में अर्थ का कोई क्रम नहीं आया तो अब अर्थ का भी अच्छी जी, वो अर्थ से ही तो वस्तु मिलती है ना, वस्तु है इसलिए अर्थ को रख रखा है, इसको फिर ध्यान रखो। वस्तु लाओ हमारे उस पेन नोट का बंडल ले लो, लाओ सुनो धीरे सुनो सुनो देखो, वस्तु हमारे नोट की कोई आवश्यकता, प्रत्येक की धारणा बनी है हमारे पास पैसा है ले आए, क्या ले आएंगे बताओ, कहाँ से ले आएंगे, वो तो आएगा। इस अर्थ जाल ने वस्तु कहाँ से आती कैसे आती है क्या नहीं इसको भी भुला दिया और व्यापार चालू हो गया। वस्तुओं का व्यापार होता है कि अर्थ का व्यापार होता है, वस्तु कहें वस्तु बाजार में है। अब माध्यम नहीं लगाओ, हम तो ये एक वस्तु के लिए ये व्यापार था तो पैसा तो वस्तु नहीं है तो पैसे का क्या मान, अवमूल्यन हो गया, वस्तु का अवमूल्य नहीं हो रहा पैसे का। एक रोटी है तो एक रोटी की कीमत है उसकी, वो आपके छुरा को दूर कर देगा। पहले 5 रुपये में मिलती थी अब 50 ले रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि 50 में भी आधी रोटी मिलेगी। रोटी भी कैसी है पूछो नहीं, ले जाओ क्या हो। तो अर्थ का अवमूल्यन होना गया, अर्थ का अवमूल्यन की स्थिति क्यों आ गई, वस्तु देखी है आधी वस्तु है और हजारों व्यक्ति खड़े हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा एमटेक वाले बीटेक वाले चले गए एक चपरासी पद के आवेदन के लिए, ये पढ़ो लिखो की दशा हो गई। तो चपरासी तो काम में काम के लिए इसलिए हो लग गए, उधर जो व्यक्ति और इस काम को नहीं जानता वो अपने उत्पादन में लगे, किसी भी प्रकार से उत्पादन हो जाए हमारे काम आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, वो तो हो गए अपर गमार अनसिविलाइज्ड पर्सन। बस ये हो गया, आप लोगों ने उनके लिए टाइटल दे दिया। वो क्या रहा है, चाहे मीटिंग्स ले लो, बैठे के ले लो, मीमांसा करो, प्रशिक्षण दो, काय की प्रशिक्षण बोला भी चिंता नहीं विषय, काय का प्रशिक्षण हम प्रशिक्षण हम प्रशिक्षण काय के लिए उत्पादन, काय उत्पादन तो हो ही नहीं रहा, केवल शिक्षा के माध्यम से अब उत्पाद प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया देखो, व्यवसाय काय का, शिक्षा का ही के लिए जीवन कोई भय नहीं, ये भयंकर एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है और वह उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है, किसी को आप रोक नहीं सकते, रुकना चाहे तो रुक सकते, अपना रास्ता इसमें से किनारा कर सकते, बस भीड़ के साथ या तो होना हो तो हो जाओ, नहीं तो थोड़े से खिसक करके बाहर हो जाओ, ये संभव है। अर्थनीति ऐसी गंदी हो जाए, अर्थ के माध्यम से अपने आप को श्रीमान और अपने आप को गरीब समझना ही एक प्रकार से शिक्षा का अर्थ समझते नहीं, इसकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए अब अर्थ यही तक रोकने दो, हमारी भूमिका तो बन गई, बाकी का शेष जो है हम बाद में बताएं, वहाँ पर नीचे लोग खड़े हैं।
बोधिसमाधि।